गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आलोक कुमार शर्मा, आपका संस्कृत टीचर। आज कक्षा 9th की ऑनलाइन क्लासेज के अंदर हम जो हमारी पिछली क्लास के अंदर जो हमारा पार्ट 4 के जो अभ्यास प्रश्न चल रहे थे उसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 तक हम इनके उत्तर जान चुके थे। आज हम शुरुआत करते हैं प्रश्न 3 से। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं प्रश्न 3 के अंतर्गत क्या निर्देश दिया गया है, और उसके बाद उस निर्देश के अनुसार ही हम इन प्रश्नों के हल जानेंगे। तो देखिए, प्रश्न नंबर 3, अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अधोलिखित वाक्यों में स्थूल पदानि, अर्थात जो जिन पदों को बोल्ड करके, अर्थात जो डार्क जो पद लिखे हुए हैं, उनकी जगह कस्मै प्रयुक्तानि, किसका प्रयोग किया जा सकता है या कौन सा शब्द आना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जो ये वाक्य लिखे हुए हैं, इन वाक्यों में जो स्थूल पद है, उस स्थूल पद का के स्थान पर किसका प्रयोग होना चाहिए, कौन से शब्द का प्रयोग होना चाहिए। तो देखिए, जैसे मैं एक प्रश्न आपको बोलूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहने का तात्पर्य क्या है। तो देखिए, प्रश्न क्या है, तस्य सानोप्री विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। इस वाक्य के अंतर्गत तस्य जो शब्द है, उस तस्य शब्द को स्थूल पद यहाँ पर माना है। तो इस तस्य की जगह कौन से शब्द का, किस पद का प्रयोग यहाँ पर होगा, वह आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं इस वाक्य का हिंदी अर्थ, क्योंकि बेटा इस प्रकार के वाक्यों को जब तक हम हिंदी अर्थ नहीं जानेंगे तब तक हम उसका सही जो उत्तर होगा, स्थूल पद की जगह क्या शब्द क्या पद आएगा, यह हम नहीं जान सकते। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं हम इस वाक्य का हिंदी अर्थ, तस्य सानोपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। अर्थात तस्य अर्थात उसके, सान ऊपरी अर्थात उसके ऊपर, विभाति अर्थात सुशोभित होता है, कंचनपुरम नाम अर्थात कंचनपुर नाम का, नगरम अर्थात नगर, यानी कि उसके ऊपर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित है या नगर है। तो यहाँ पर तस्से का अर्थ है उसके, तो यहाँ क्या आएगा, तस्से की जगह कौन से पद का यहाँ पर प्रयोग होगा। तो यहाँ मैंने इस वाक्य के आगे लिखा हुआ है, तस्से की जगह हिमवते अर्थात हिमालय। कहने का तात्पर्य, हिमवते अर्थात हिमालय का प्रयोग यहाँ पर होगा। तो आपको जो सही उत्तर लिखना है वो किस प्रकार से लिखना है, हिमवते, तस्य की जगह आप लिखेंगे हिमवते, हिमवते सानोरूपरी विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। आपका जो सही उत्तर जो होगा वह होगा हिमवते सानोपरी विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। तस्य की जगह आपको सिर्फ क्या लिखना है, हिमवते लिखना है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी बेटा। तो देखिए, चलते हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न ख, राजा संप्राप्त यौवनम तम यौराज्ये अभिषिक्तवान। और आगे लगा हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या बताया गया है, राजा संप्राप्त यौवनम तम यौराज्ये अभिषिक्तवान, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह।
अब देखिए बेटा, यहाँ पर जो स्थूल पद जो है, यानी कि जो बोल्ड जो पद दिया गया है वह है तम। तो तम की जगह क्या आएगा? तो सबसे पहले जानते हैं इसका हिंदी अर्थ। राजा संप्राप्त यौनम तम यौराज्य अभिषिक्तवान। राजा ने जब वह युवक अवस्था को या यौवन अवस्था को प्राप्त हुआ, तम अर्थात उसको यौराज्य युवराज के अभिषिक्तवान अभिषिक्त कर दिया। अर्थात जब वह युवा अवस्था को प्राप्त हुआ तब राजा ने उसको युवराज के पद पर अभिषेक कर दिया। तो तम का तात्पर्य है उसको, अर्थात किसको? तो यहाँ पर सही जो उत्तर होगा तम की जगह वह होगा जिमूतवाहनम। किसको? जिमूतवाहन को। यहाँ तम में द्वितीया है इसलिए जिमूतवाहन में भी कौन सी विभक्ति आएगी? मैं का प्रयोग होगा, अर्थात जिमूतवाहनम। तो इसका जो सही जवाब जो होगा वह होगा जिमूतवाहनम। देखिए बेटा, इसमें आप जो निर्देश दिया गया है वो यह था कि अधोलिखित वाक्यों में जो वाक्य है उसमें स्थूल पद जो है वो किसकी जगह प्रयुक्त क्या पद होगा वह आपको लिखना है। जैसे पहले में तस्से की जगह हिमवते और दूसरे में यानी खे में तम की जगह जिमूतवाहनम, क्योंकि वहाँ पर तस्य हिमालय के लिए प्रयोग किया गया था इसलिए हिमवते, और यहाँ पर तम जो है वो जिमूतवाहन के लिए प्रयोग किया गया तो जिमूतवाहनम यहाँ पर उत्तर होगा। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न गय, देखिए क्या बताया गया है इसमें। अयम तव सदा पूज्य, अर्थात अयम अर्थात यह है, तव अर्थात तुम्हारे लिए, सदा अर्थात हमेशा, पूज्य अर्थात पूजनीय है। अब यहाँ पर दो स्थूल पद है वह है अयम, अयम तव सदा पूज्य, यह तुम्हारे लिए हमेशा ही पूजनीय है। तो अयम की जगह क्या कौन है? अयम अर्थात यह कौन के लिए प्रयोग किया गया था? तो यह जो है वह कल्पतरु के लिए प्रयोग किया था। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा अयम का वह होगा कल्पतरु। कल्पतरु यहाँ पर सही जवाब होगा, अयम की जगह क्या आएगा? कल्पतरु इसका उत्तर होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न घे, तात विस्म्यादि बोधक चिन्ह है उसके बाद में। त्वम तु जानसी, तात त्वम तु जानासी यत धनम विचिवच चंचलम। तात त्वम तु जानासी यत धनम विचिवच चंचलम, अर्थात पहले हिंदी समझिएगा। पिताजी त्वम तु जानासी, तुम तो जानते हो यत कि धनम विचिवच चंचलम, धन जो होता है वह कैसा होता है? हमेशा ही चंचल होता है। तो यहाँ पर इसने जो स्थूल पद दिया है वह दिया है त्वम, अर्थात तात पिताजी, त्वम तु तुम तो ये त्वम तुम होता है, तो तुम किसके लिए प्रयोग किया गया है? यहाँ पर पिता जिमुत केतु के लिए प्रयोग किया गया है, तो त्वम के स्थान पर यहाँ पर जो पद होगा वह होगा पिता जिमुत केतु। पिता जिमुत केतु, ये त्वम जो है वह पिता जिमुत केतु के लिए प्रयोग किया गया था कि तात अर्थात पिताजी तुम तो जानते हो कि धन तो चंचल होता है। तो यहाँ पर त्वम अर्थात तुम किसके लिए प्रयोग किया गया था? पिता जिमुत केतु की जगह। तो यहाँ पर सही जो जवाब होगा वह होगा पिता जिमुत केतु। तो देखिए पहले में उत्तर होगा हिमवते, दूसरे में होगा जिमूतवाहनम, तीसरे में होगा कल्पतरु, और फोर्थ चौथे के अंतर्गत होगा पिता जिमुत केतु। क्लियर? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, सबसे पहले पढ़ते हैं इसके निर्देश को।
इसका निर्देश क्या है? इसका निर्देश है अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदम पाठात चित्त्वा लिखत, अर्थात अधोलिखित पदों का पर्यायवाची पद पाठ में से चुन करके लिखना है। यानी कि कुछ पद दिए गए हैं, उनके पर्यायवाची पद जो आपको पाठ में से ढूंढने हैं और वो आपको लिखने हैं। देखिए, क्योंकि एक जो शब्द होता है, एक जो पद होता है, उसके अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो पाठ के अंतर्गत जो दिया गया है वही पर्यायवाची आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखते हैं, कै पर्वत है, तो पर्वत का जो पर्याय पद है वह है नग है। नग अर्थात नग मीन्स भी होता है पर्वत। पर्यायवाची से आप समझते होंगे पर्यायवाची अर्थात उसके और भी जो अन्य अर्थ होते हैं वह आपको बताने हैं। पर्वतें अर्थात नगे, खे है भूपति, भूपति मीन्स राजा होता है, तो यहाँ राजा शब्द भी आया है तो भूपति का होगा राजा। गे है इंद्र है, और इंद्र का पर्यायवाची जो शब्द आया है यहाँ पर वह पाठ के अंतर्गत आया है शक्र है। शक्र, शक्र के विसर्ग लगे हुए हैं, शक्र है। नेक्स्ट है धनम, धनम का यहाँ पर जो पर्याय पद आया है पाठ में वह है वसु। नेक्स्ट है इच्छितम, इच्छितम मतलब इच्छा होता है, और इस पाठ के अंतर्गत शब्द आया है अभिलषितम, इसका तात्पर्य भी इच्छा से ही होता है। नेक्स्ट समीपम, समीपम का अर्थ होता है समीप में या पास में, और यहाँ पर पर्यायवाची पद जो आया है वह आया है अंतिकम। समीपम अर्थात अंतिकम, क्लियर? नेक्स्ट है धरित्रीम, अर्थात धरित्रीम से तात्पर्य धरती या पृथ्वी या भूमि से होता है, तो इसके अंतर्गत पृथ्वीम आया हुआ है तो पृथ्वीम। नेक्स्ट है कल्याणम, कल्याणम का हितम। नेक्स्ट है वाणी, वाणी का वाक। नेक्स्ट है वृक्ष है, वृक्ष का तरु। तो देखिए पर्वत का नग, भूपति का राजा, इंद्र का शक्र, धनम का वशु, इच्छितम का अभिलषितम, समीपम का अंतिकम, धरित्रीम का पृथ्वीम, कल्याणम का हितम, वाणी का वाक और वृक्ष का तरु। ये थे आपके पर्याय पद जो आपको पाठ में से चुन करके लिखने थे। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 5। सबसे पहले जानते हैं उसके निर्देश को। देखिए निर्देश है इसके अंतर्गत क स्तंभे विशेषणानि, ख स्तंभे च विशेषणानि विशेष्यानि दत्तानि। क के अंतर्गत विशेषण दिया गया है और ख के अंतर्गत विशेष्य दिया गया है। तानि समुचितम योजयत, इनको आपको उचित स्थान पर योजन करना है, अर्थात योजन से तात्पर्य होता है मिलान करना है, उचित मिलान करना है। यानी कि क खंड का आपको ख खंड के साथ में मिलान करना है। और इतना भी उसने बताया है क के अंतर्गत विशेषण होता है और ख के अंतर्गत विशेष्य पद है। देखिए पहले तो आपको जानना जरूरी होता है कि विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है इनकी कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वह विशेषण होता है। किसी संज्ञा या सर्वनाम पद की जो विशेषता बताए वह विशेषण होता है, और जो उसका संज्ञा या सर्वनाम वाची जो शब्द होता है वही उसका विशेष्य होता है। देखिए तो देखिए कै में दिया गया है कुल क्रमागत है, तो यहाँ पर कुल क्रमागत का जो विशेष्य होगा वह होगा कल्पतरु। कुल क्रमागत का सही जवाब होगा कल्पतरु। नेक्स्ट है दानवीर है,
तो दानवीर का जो शिष्य होगा वह होगा जिमूतवाहन। नेक्स्ट है हितेशिभिः, तो हितेशिभिः का विशिष्य पद जो होगा वह होगा मंत्री भी। नेक्स्ट है विचिवच चंचलम, विचिवच चंचलम का जो विशिष्य होगा वह होगा धनम। नेक्स्ट अनश्वर है, अनश्वर का विशिष्य पद होगा परोपकार है। तो देखिए कुल क्रमागत का कल्पतरु, दानवीर का जिमूतवाहन है, हितेशिभिः मंत्री भी, विचिवच चंचलम धनम, अनश्वर है परोपकार है। तो ये इसके सही जवाब होंगे। लेकिन आपको बेटा इनको करना कैसे, देखिए आपको निर्देश ऐसा का ऐसा ही लिखना है। आपको क स्तंभ के जो भी पद दिए हैं, कुल क्रमागत है, दानवीर है, हितेशिभिः, विचिवच चंचलम, अनश्वर है, ये आपको इसी क्रम से लिखने हैं। लेकिन जब आप ख स्तंभ को लिखेंगे, कह खंड को आप लिखेंगे, तो कुल क्रमागत का जो सही जवाब होगा वही उसके सामने आपको लिखना है। जैसे कुल क्रमागत का सही जवाब होगा कल्पतरु, तो कुल क्रमागत के सामने आपको कल्पतरु ही लिखना है। दानवीर के सामने जिमूतवाहन, हितेशिभिः के साथ में मंत्री भी, विचिवच चंचलम के आगे धनम और अनश्वर के आगे आपको परोपकार लिखना है। आपको जो सही जवाब है उसी के सामने लिखना है। इस प्रकार से आपको जिस तरीके से मैंने यहाँ पर क्रॉस करके जो लाइनें मिलान की हैं, आपको मिलान नहीं करना है। क्लियर बेटा, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपको अपनी नोटबुक के अंतर्गत इसी प्रकार से कार्य को करना है। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, उसके निर्देश जो हैं वह क्या हैं, ये हम जानते हैं। तो बेटा हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 के अंतर्गत जो है वह क्या बताया गया है उसे हम थोड़ा जानते हैं। देखिए स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, कहने का तात्पर्य है कि जो ये स्थूल पद दिए गए हैं इनको अधिकृत करते हुए, इनको समझते हुए आपको प्रश्न निर्माण करना है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर आपको उत्तर दिए गए हैं और आपका प्रश्न निर्माण आपको यहाँ पर करना है। तो जानते हैं किस प्रकार से करेंगे, देखते हैं। क्या तरो कृपया स पुत्रम अप्राप्नोत, तरो अर्थात वृक्ष की कृपया अर्थात कृपा से, स अर्थात उसने, पुत्रम अर्थात पुत्र को, अप्राप्नोत अर्थात प्राप्त किया। ये उत्तर है कि वृक्ष की कृपा से उसने पुत्र को प्राप्त किया। और यहाँ पर स्थूल जो पद है, जो बोल्ड जो पद है, डार्क जो दिया गया है, वह दिया गया है तरो। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर जो उत्तर है उसमें जो स्थूल पद है उसको आपको हटाना है, उसकी जगह प्रश्नवाचक जो शब्द होता है वो आपको लगाना है, बाकी सारा का सारा प्रश्न वैसा का वैसा ही लिखना है। और अंत में जब आप प्रश्न निर्माण बना रहे हैं तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तो देखिए तरो की जगह आप लिखेंगे कस्य, बाकी यूं का यूं कस्य कृपया स पुत्रम अप्राप्नोत, किसकी कृपा से उसने पुत्र को प्राप्त किया। और यहाँ पर जो पूर्ण विराम है उसकी जगह आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तो आपका सही उत्तर यहाँ होगा तरो को हटाना है, उसकी जगह कस्य लगाना है, बाकी सारा प्रश्न ऐसा का ऐसा ही आपको करना है। कस्य कृपया स पुत्रम अप्राप्नोत और उसके पश्चात प्रश्नवाचक चिन्ह आपको लगाना है। नेक्स्ट चलते हैं हम ख, स कल्पतरवे न वेदियत, सह अर्थात उसने, कल्पतरवे अर्थात कल्पवृक्ष से, न वेदियत अर्थात निवेदन किया। यहाँ पर जो स्थूल पद है वह है कल्पतरवे, उसने कल्पवृक्ष से निवेदन किया। तो कल्पतरवे की जगह आपको लिखना है कस्मै,
तो आपका जो उत्तर होगा वह होगा सह कस्मई नैवेद्यत। कल्पतरवे हटाना और उसकी जगह आपको कस्मई का प्रयोग करना है। उसने किससे निवेदन किया, ये आपका बनेगा, और नैवेद्यत के पश्चात आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। नेक्स्ट है गे धन वृष्टिया को अपि दरिद्र ना तिष्ठति। धन वृष्टा अर्थात धन की वृष्टि से, धन की बारिश से कोई भी दरिद्र अर्थात गरीब ना तिष्ठति रहा, अर्थात धन की बारिश से कोई भी गरीब नहीं रहा। यहाँ पर जो स्थूल पद है वह है धन वृष्टिया, इसकी जगह आपको लिखना है कया। तो धनवृष्टिया की जगह लिखेंगे कया को अपि दरिद्र ना तिष्ठति, किससे कोई भी गरीब नहीं रहा। धनवृष्टिया की जगह आपको क्या लिखना है कया, और नातिष्ठत के पश्चात आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। नेक्स्ट है कल्पतरु पृथिव्याम धनानि एवर्षत। कल्प वृक्ष ने पृथ्वी पर धन की वर्षा की। तो यहाँ पर स्थूल पद है पृथ्वीव्याम, और पृथ्वीव्याम की जगह आपको क्या करना है कुत्र लिखना है। तो आपका उत्तर होगा कल्पतरु कुत्र धनानि एवर्षत, और एवर्षत के पश्चात प्रश्नवाचक चिन्ह आपको लगाना है। नेक्स्ट है जीवाणु कंपया जिमुत वाहनस्य यशः प्रासारयत। प्रासरत जिमुत जीवाणु कंपया जीवों पर कृपा करने से जिमुत वाहनस्य, जिमुत वाहन का यशः अर्थात प्रसिद्धि या कीर्ति प्रासारयत अर्थात फैल गई। यहाँ पर स्थूल पद है जीवाणुकंपया, तो जीवाणुकंपया की जगह आपको लिखना है कथम। क्या लिखना है आपको कथम लिखना है, कथम जिमुतवानस्य यसे प्रासरत अर्थात किससे, किस पर जिमुतवानस्य जिमुतवान की यश या प्रसिद्धि फैल गई, और प्रासरत के बाद आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। क्लियर बेटा, आपको समझ में आ गया। आपको स्थूल पद हटाना है, उसकी जगह जैसे मैंने लिखा है कै में कस्य, खै में कस्मई, गै में कया, घे में आपको कुत्र, और नेक्स्ट कथम, ये आपको जो स्थूल पद हैं उनकी जगह आपको ये लिखना है। बाकी वैसा का वैसा जैसा प्रश्न में लिखा है वो लिखना है, और अंत में सभी के पश्चात आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। क्योंकि जब प्रश्न निर्माण करते हैं, हम प्रश्न बनाते हैं, तो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, पूर्ण विराम नहीं होता। क्लियर बेटा, तो चलते हैं हम हमारे इस चैप्टर के अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 के स्वस्ति तुभ्यम, स्वस्ति शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्ति भवति इत्यनेन नियमेन अत्र चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्ता एवमेव कोष्टकगतेषु पदेषु चतुर्थी विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। सीधी सीधी बात बताई है, प्रश्न में ही सब कुछ बता दिया है। उसने कहा है कि स्वस्ति तुभ्यम एक सूत्र है, आपको आपने पिछली क्लास में अध्ययन किया होगा कारकों का, कारक उपपद कारक विभक्ति जो होती है उसके अंतर्गत स्वस्ति शब्द होता है, और स्वस्ति तुभ्यम सूत्र के कारण स्वस्ति शब्द के आने से, स्वस्ति पद के आने से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। वो उसने इसमें भी बताया है कि स्वस्ति तुभ्यम स्वस्ति शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। इस नियम से यहाँ पर जो कोष्टक में आपको जो भी शब्द दिया है उसकी चतुर्थी विभक्ति का आपको प्रयोग करना है। देखिए के खे गे घे, इन सभी के अंदर स्वस्ति लिखा हुआ है, तो इसका मतलब स्वस्ति शब्द आया है। आगे ब्रैकेट में जो भी शब्द लिखा हुआ है उसकी चतुर्थी विभक्ति आपको लिखनी है। जैसे राजा है तो राजा की चतुर्थी विभक्ति होती है राज्ञे, प्रजा की चतुर्थी विभक्ति होती है प्रजाभ्य, छात्र की चतुर्थी विभक्ति होती है छात्रेभ्य, और सर्वजन की चतुर्थी विभक्ति होती है सर्वजनेभ्य।
क्लियर। ये सब सीधा सीधा जो शब्द रूप से पूछा गया प्रश्न है आपके ग्रामेटिकल पोर्शन का ये प्रश्न है, और उसके अंतर्गत शब्द रूप में से जो चतुर्थी विभक्ति बनती है शब्दों की वह यहाँ पर पूछी गई है। राजा का राज्ञे, प्रजा का प्रजाभ्य, छात्र का छात्रेभ्य, सर्वजन का सर्वजनेभ्य, ये चतुर्थी विभक्ति स्वस्ति पद के आने के कारण लगती है, और वो आपको प्रश्न के निर्देश में ही बता दिया गया है। अब प्रश्न नंबर 7 का खै हम देखते हैं, कोष्टक गतेषु पदेषु षष्ठी विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। इसमें भी सीधी सीधी बात बताइए कि कोष्टक में जो शब्द है उसकी षष्ठी विभक्ति आपको रिक्त स्थान में भरनी है और रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो देखिए, वाक्य चाहे कुछ भी हो, जब आपको सीधा सीधा वो बता रहा है कि कोष्टक में दिए गया जो पद है उसकी आपको क्या करनी है, षष्ठी विभक्ति लिखनी है। जैसे यहाँ पर गृह शब्द कोष्टक में दिया गया है तो गृह शब्द की षष्ठी विभक्ति, जैसे राम की रामस्य, फल की फलस्य, तो गृह की गृहस्य। नेक्स्ट है पितृ शब्द, पितृ अर्थात पिता, पिता की षष्ठी विभक्ति होती है पितु। नेक्स्ट जिमूतवाहन की जिमूतवाहनस्य, न और अंतिम है किम, किम की कस्य। गृह की गृहस्य, पितृ की पितु, जिमूतवाहन की जिमूतवाहनस्य और किम की कस्य, ये भी शब्द रूप और जो कह के शब्द रूप होते हैं उनसे पूछा गया प्रश्न है। सीधा सीधा शब्द रूपों से, सर्वनाम रूपों से पूछे गए ये प्रश्न है। तो ये आप इसको समझ रहे होंगे, पिछले क्लास में वैसे भी आपने शब्द रूप और संज्ञा सर्वनामों के रूपों के अध्ययन आपने किया था ग्रामेटिकल पोर्शन के अंदर। तो ये शब्द रूप से संबंधित आपका ग्रामर का, आपका व्याकरण का भाग है। और इसी के साथ में हमारे जो इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर हैं वह समाप्त होते हैं। तो बेटा, आज का आपका जो होमवर्क है वह यह है कि मैंने जितने भी प्रश्न आपको आज बताए हैं, प्रश्न नंबर 3 से लेकर के प्रश्न नंबर 7 तक, उन प्रश्नों को आपको अपनी नोटबुक के अंदर करना है, और साथ ही साथ इनको समझते हुए आपको लर्न भी करना है। इस वीडियो को आप बार बार देखें, एक बार दो बार आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, इस प्रकार से मैंने इस प्रश्नों को हल करवाया है उसको आप समझें, और अपनी नोटबुक में भी आपको इनको करना है, रिटर्न वर्क भी करना है आपको, और साथ ही साथ आपको लर्न भी करना है। आशा करता हूँ आप अच्छी प्रकार से घर रहते हुए सुरक्षा के साथ में अध्ययन कर रहे होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।